हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं और इस एक्सपेरिमेंट का नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड बाय मेथड ऑफ मिक्सचर। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट में हम लोग किसी सॉलिड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करेंगे और साथ ही साथ हम किसी लिक्विड का भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड मेजर करते हैं कि इसमें कैसे इसका मेजरमेंट किया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या किया गया है कि इसमें जिस सॉलिड का आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करना है वो सॉलिड पहले तो आप ले लीजिए। अब इसमें करना क्या है, पहले आप एक वेइंग मशीन लीजिए और उस वेइंग मशीन पे उस सॉलिड का मास आप जो है पहले से इसका वेट मेजर कर लीजिए। तो मान लीजिए सॉलिड पर हमने रखा और मान लीजिए ये कोई सॉलिड है, सपोज दैट ये कोई सॉलिड है और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मुझे मेजर करना है। तो इसे मैंने वेइंग मशीन पे रखा और इसका मास सपोज करा M1 है, ठीक है। तो पहला काम तो हमने ये कर लिया। उसके बाद करना क्या है, आपको एक कैलोरी मीटर लेना है। कैलोरी मीटर में क्या होता है, बेसिकली एक कॉपर वेसल, कॉपर का एक बीकर रहेगा। तो आपको फिर से उसी वेइंग मशीन पे, मैं डायग्राम दूसरा बना रहा हूं, ठीक है, फिर से उसी वेइंग मशीन पे बिल्कुल ध्यान देना, उसी वेइंग मशीन पे जिस पे आपने सॉलिड मेजर किया था, ठीक है, ठीक से आप इसको देख लेना है, कोई जीरो एरर नहीं होना चाहिए, ठीक से बढ़िया से मेजर कर लेना है। उसके बाद आपको एक कॉपर का वेसल लेना है, यानी कैलोरीमीटर होता है ये, बेसिकली कॉपर का एक वेसल होगा, बीकर होगा जिसमें कि स्टीरर भी होता है, ठीक है। ये स्टीरर मैंने दिखा दिया, ऐसे ये स्टीरर होता है। तो ये एम्प्टी है, भी अभी बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है और यहाँ पे एम्प्टी, इसको कॉपर वेसल लिख देता हूं, एम्प्टी कॉपर वेसल, ठीक है। इसका मैंने पहले तो मास मेजर करा एम्प्टी का, तो लेट अस सपोज इसका मास आया M2, इसका मास कितना मेजर हुआ M2, ठीक है ना। चलो भाई बढ़िया। उसके बाद क्या करना है, इसमें पानी मिला देना है। क्या मिलाना है, पानी। एक बीकर ले लीजिए, इसमें पहले से पानी हो, जैसे 250 ml का बीकर है और उसमें पहले से पानी है, ठीक है। उस पानी को पूरा इस वेसल में भर देना है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब भरना इतना कि ताकि सॉलिड डुबाओ तो पूरा अच्छे से डूब जाए, ठीक है। तो अपन यहां पे इसमें फिर से इसी वेइंग मशीन पे हम क्या करेंगे, इसमें पानी से भरा हुआ बीकर, पूरा पानी नहीं भरना है, आप समझ रहे हो ना, पानी इतना भरना है ताकि जब हम इस सॉलिड को इसके अंदर डालें तो ये जो है पानी जो है इसके अंदर इतना हो ताकि ये सॉलिड पूरा डूब जाए, और स्टीरर तो है ही इसमें, ठीक है। तो अब हमें इसका वेट मेजर कर लेना है। तो यहां पर है वेसल फिल्ड विद वाटर, वेसल फिल्ड विद वाटर। चलो भाई ये वाटर के साथ ये भरा हुआ है और हमने इसका जो है वेट मेजर कर लिया M3, ठीक है। तो एम्प्टी वेसल का वेट मास कितना मेजर हुआ M2, और जो वेसल पानी से भरा हुआ है उसका मास मैंने कितना मेजर किया M3, और इसका मास M1 हमने तो पहले ही ले लिया था, रीडिंग ले लिया था। ये काम पहले तो बहुत सावधानी से कर लेना है, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 1 है जिसमें मुझे ये पहले काम हम लोग को कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये बहुत बेसिक काम पहले होता है कि भैया मास वास ढंग से मेजर हो जाए। तो ये पहला काम आप लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब मैं इसमें अब आगे बढ़ता हूं। अब देखिए दूसरा काम आपको ये करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अब ये जो एम्प्टी कॉपर वेसल है तो इसमें मुझे हम लोग को एक कैलोरी मीटर लेना पड़ता है। कैलोरी मीटर में क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखना, कैलोरी मीटर लेना होता है। तो कैलोरी मीटर में क्या होता है, एक इंसुलेटेड केस होता है, मतलब बॉक्स होता है, डिब्बा होता है ना, जैसे ये डिब्बा है, बिल्कुल ध्यान देखना, ये डिब्बा है, इस डिब्बे का जो वॉल होगा पूरी तरह से इंसुलेटेड होगा फ्रॉम द सराउंडिंग, जैसे कि इसमें कुछ भर दीजिए, मटेरियल भर दीजिए, है ना, थर्माकोल भर दीजिए, ठीक है, एडियाबेटिक सब्सटेंस जिसको बोलते हैं वो भरा हुआ है, ठीक है, ऊपर से ढक्कन भी लगा रहता है। ये जो कॉपर वेसल जो आप देख रहे हैं, ये कॉपर वेसल इसी में रखा जाता है, ये जो कॉपर वेसल होता है वो इसी में रखा जाता है, पूरी तरह से इसको फर से भर दीजिए, है ना, 2-3 लेयर से भर देते हैं जिससे कि हीट अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ना जाने पाए, ये ध्यान रखना है। ऊपर से एक ढक्कन भी होता है, ऐसे करके ये ढक्कन होता है,
ठीक है, ये ढक्कन होता है, ये ढक्कन भी ढंग से रहेगा, यहाँ पे छेद होता है, ठीक है, यहाँ पे बना रहता है, ढक्कन हटाओगे आराम से, अब जैसे ये वेसल है, ठीक है, ये वेसल, यही वेसल जो है कॉपर वेसल यहाँ रख दिया जाता है, समझ में आ रहा है? तो ये इसको बोलते हैं अपन लोग कैलोरी मीटर, है ना। तो ये स्टीरर भी होता है, स्टीरर वाला है जो डंडी है इसको ऊपर दिखा देते, ये देखिए ये स्टीरर होता है, ठीक है, ये स्टीरर होता है इस तरह से, ये स्टीरर होता है, ये आप स्टीरर को ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते हैं जिससे कि पानी ठीक से मिल जाए इसके अंदर, ठीक है, स्टीरर का काम ये है। थर्मामीटर भी होता है, थर्मामीटर का काम है टेम्परेचर मेजर करना, ये थर्मामीटर भी होता है, ये आपका थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करने का काम करता है, थर्मामीटर होता है जो कि टेम्परेचर मेजर करने का काम करता है। तो ये कैलोरीमीटर क्या होता है, पूरी तरह से एडियाबेटिक सबस्टेंस, जैसे आप देखते हो ना, ये जैसे एक बॉटल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि भैया अंदर का पानी अगर गर्म है तो गर्म ही रहेगा, है ना, तो उस टाइप के मटेरियल का ये बना हुआ है, जैसे एडियाबेटिक मटेरियल बोलते हैं जो कि हीट कंडक्ट नहीं कराएगा, पूरी तरह से बंद रहता है, ठीक बात है। तो ये हमारा कैलोरीमीटर हो गया, ये क्या है, स्टीरर है, ये हमारा कॉपर वेसल है, जो यही वाला कॉपर वेसल, अब ये खाली रहेगा, इसको उठा करके इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है ना, इसको उठाएंगे और इस वेसल को अंदर डाल देंगे, पूरा खाली केस है, तो डाल देंगे, ऊपर से ढक्कन लगा देंगे, बंद हो गया भैया, एक कैलोरीमीटर है, ठीक है। तो इतने चीज पहले तो अपन को अरेंज कर लेना है, मास मेजर कर लेना है, कैलोरीमीटर के लिए ये सारा अरेंजमेंट कर लेना है, पहले से ये पूरा केस होना चाहिए, ये तो खाली रहेगा क्योंकि इसका तो यूज अभी हम यहां कर रहे हैं, बाद में इसको यहां डाल देंगे, ठीक है। चलिए अब हमें करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो अब मैं इसे मिटा रहा हूं, आप इसे चाहो तो नोट कर लेना, हम लोग अलग से साइड में M1, M2, M3 ये सब एक नोट कर लेते हैं ना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक टेबल में बना देता हूं, उस टेबल से अपन लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो टेबल है ये हमारे काम का रहेगा, इस टेबल में मैं लिख देता हूं, जैसे कि टेबल में मैं लिख देता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना, M1 क्या है, तो मास ऑफ द सॉलिड, मास ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का मास है भैया, ठीक, जिस सॉलिड का अपन को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है वो M1 लेना है, ठीक। उसके बाद इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को S1 मान लेते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका जो है ऑफ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी S1 निकाल मान लेते हैं, ऐसे एक टेबल बना लिया अपन को समझने के लिए। अब उसके बाद मैंने क्या माना था, M2, M2 जो है वो मास ऑफ क्या है, मास ऑफ कैलोरी मीटर ले लेते हैं, ठीक है, कैलोरी मीटर यानी कॉपर वेसल, ठीक है, कैलोरी मीटर कॉपर वेसल लिख देता हूं साइड में, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसके बाद इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को H2 मान लेते हैं, हर मटेरियल की अपनी एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ऑफ कैलोरी मीटर, ठीक है, कैलोरी मीटर भैया, ठीक है, ये अपन ने नोट कर लिया। उसके बाद मैंने क्या माना था, M3, ठीक है, क्या माना था, मास ऑफ कैलोरी मीटर प्लस वाटर, कैलोरी मीटर प्लस वाटर, सही लिखा ना मैंने, कैलोरी मीटर और वाटर भर दिया था ना, तो M3 माना था, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर अपन ने अलग से साइड में नोट कर लिया, क्योंकि अगर मिटा देंगे तो फिर आप भूल जाओगे कि सर ने क्या माना था, इसलिए मैंने अलग से टेबल में लिख दिया है, बोलो क्लियर हो गया ना, ये टेबल में मैंने लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट काम क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, इतना काम करने के बाद अब ध्यान से सुनना, सब लोग जरा ध्यान से सुनना, अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे ये करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, तीसरा काम आपको पहले तो ये करना है, ठीक है, तीसरा काम आपको ये करना है कि कैलोरी मीटर यानी जो कॉपर वेसल जो बाहर था पानी से भरा हुआ, उसको अपन लोग ये इस बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे, ये हमारा कैलोरी मीटर वाला बॉक्स है, इसको अपन लोग बंद कर देंगे, ये पूरा मटेरियल भरा हुआ है, अभी ज्यादा करेंगे तो डायग्राम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, आप समझना पूरा केस है, बंद है ना, और पानी से भरा हुआ है, ठीक है, पानी से भरा हुआ है। आप क्या करिए, पहले तो इसका इनिशियल टेम्परेचर मेजर कर लीजिए, यानी थर्मामीटर यहां डाल दीजिए और थर्मामीटर की मदद से इसका टेम्परेचर नोट कर लीजिए, ये क्या है, थर्मामीटर है, ठीक है। अब थर्मामीटर ने टेम्परेचर मेजर करा, लेट अस सपोज थीटा 1 डिग्री सेल्सियस,
तो शुरुआत में जब ये कैलोरीमीटर जिसमें कि पानी भरा हुआ है कॉपर वेसल उसको अंदर डाल दीजिए, बंद कर दीजिए, और थर्मामीटर अंदर डला हुआ है वो θ1°C मेजर कर लिया। क्लियर हो गया? ये हमें तीसरा स्टेप लेना है। ठीक, अब क्या करना है? चौथा स्टेप आपको ये करना है कि जो सॉलिड है ना सॉलिड, तो उसको एक बीकर में पहले से पानी भरा हुआ है, एक बीकर ले लीजिए, ठीक है ना, बीकर ये दूसरा लेके आइए, उसमें पानी भर दीजिए। और अब क्या करना है, इस बीकर को एक बर्नर जो है, मान लीजिए ये तार का एक गेज है, तार का एक ऐसे करके स्टैंड है, उसके नीचे ये बर्नर लगा दीजिए जिससे कि फायर निकल रहा हो। ये बर्नर लगा दीजिए, ये इसको बोलते हैं बंसन बर्नर। क्या बोलते हैं? बंसन बर्नर, बंसन नहीं सुनना, बंसन बर्नर बोलते हैं। ठीक है, ये नाम पड़ा भैया, अब ये इन्होंने ढूंढा होगा कुछ, है ना। तो ये बंसन बर्नर, उसके बाद एक स्टैंड लीजिए, ऐसे स्टैंड, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये मैंने लिया स्टैंड। ठीक, ये स्टैंड आपको लेना है, बगल में टिका देना स्टैंड। उसके बाद धागे की मदद से ये सॉलिड जिसका आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करना है उसको डुबा दीजिए। ये देखिए हमने डुबा दिया भैया, डुबा दिया। ठीक, ये मैंने डुबा दिया। ध्यान रखना है कि ताकि ऊपर के लेवल से लगभग 0.5 सेंटीमीटर अंदर डूबा रहे, मतलब प्रॉपरली डूबा रहे। और स्टीरर भी लगा दीजिए ताकि स्टीरर से पानी को हम मिक्स करते रहे। अब इसको गर्म करिए और वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स, वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स, वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट के लिए वेट कीजिए। बगल में थर्मामीटर लगा दीजिए, थर्मामीटर जो कि टेम्परेचर मेजर कर लेगा। ठीक है, अब आराम से जो है थोड़ी देर रुक जाइए, 5 से 10 मिनट इसको गर्म होने दीजिए। पानी गर्म होगा, पानी के साथ सॉलिड गर्म होगा, और इस तरह से गर्म होगा, इधर से ये जो थर्मामीटर में जो मरकरी होती है ऊपर उठेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जैसे भी पारा ऊपर चढ़ेगा, चढ़ता जाएगा। अब मान लीजिए 5 से 10 मिनट जब हो गए तो उसके बाद उस समय बंसन बर्नर बंद कर दीजिए और टेम्परेचर नोट कीजिए। मान लीजिए θ2°C टेम्परेचर है। ठीक, अब क्या करना है, ये काम तो हमने कर लिया चौथे स्टेप में, ठीक है ना। तो बहुत आराम से हमने ये काम कर लिया, ये गर्म हो गया, θ2°C टेम्परेचर है। अगर θ2 बता रहा है इसका, ये पानी का भी टेम्परेचर θ2 है और इस सॉलिड का भी टेम्परेचर θ2 है। ठीक बात है। चलो अब बहुत जल्दी एक चिमटे से इसे उठाएंगे, या यहां से धागे से स्टैंड उठाइए, और उसके बाद इसको तुरंत जितना जल्दी हो सके इसको इसमें डाल दीजिए। समझना आया? इसको अंदर इसके डाल दीजिए। तो जैसे ही हम डालेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा। इस टेबल में एक चीज और लिख देता हूं, θ1°C क्या है बताओ? θ1°C जल्दी बताओ। तो θ1 is the temperature of कैलोरीमीटर प्लस वॉटर। तो θ1 is the initial temperature of कैलोरीमीटर प्लस वाटर। ठीक बात है। चलो भाई, अब उसके बाद θ2 क्या है? सॉलिड का इनिशियल टेम्परेचर। चलो भाई, ये भी देखो टेबल में ना, ये सब चीजें जो है नोट करके रख लेनी है। θ2 क्या है भैया? इनिशियल टेम्परेचर ऑफ जल्दी बोलो, सॉलिड का इनिशियल टेम्परेचर है। ठीक बात है, समझ में आया? चलो भाई, ये काम हो गया। अब उठा करके बहुत जल्दी से कहाँ डालना है इसको, सॉलिड को, इसमें बीकर में जल्दी से डाल देना है, बिल्कुल कम टाइम में, जितना पॉसिबल हो जल्दी से उठा के सीधा। ठीक, अब सुनो ध्यान से, मैं मिटा रहा हूं। तो भैया, अब इस सॉलिड को आपने कहाँ डाल दिया? इसके अंदर। ये मेरा हो गया पांचवा स्टेप। अब मैंने इसमें स्टैंड लगाया, फटाफट ये मिटा दे रहा हूं, स्टैंड लगाया भैया, ध्यान देना, ये स्टैंड लगाया, और स्टैंड की मदद से धागे से इस सॉलिड को इसके अंदर डाल दिया। भाई देखो, ये सॉलिड अंदर डल गया। अब सॉलिड अंदर डल गया, स्टीरर भी होगा, स्टीरर मैंने बनाया नहीं, स्टीरर से मिला दो और थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, बिल्कुल पूरी तरह से बंद है, पैक है, सॉलिड गर्म है, ठीक है ना। θ2 ज्यादा है, θ1 के रिस्पेक्ट में θ2 ज्यादा है, गर्म है। अब धीरे धीरे क्या होगा, वाटर और कैलोरीमीटर दोनों हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ये हॉट बॉडी है, और वाटर एंड कैलोरीमीटर क्या है, कोल्ड है, तो ये हीट छोड़ेगा।
तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, कैलोरीमीटर एब्जॉर्ब करेगा हीट को, दोनों गर्म होने लगेंगे, इसका टेम्परेचर डाउन होगा, थोड़ा फॉल करेगा टेम्परेचर, डिक्रीज करेगा, और वाटर और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। वेट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मतलब इसके अंदर जो पारा है, ये जो है ना थर्मामीटर, इसका पारा पहले तो राइज करेगा, राइज करते करते एक जगह आके रुक जाएगा, है ना, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, है ना, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, क्या स्टैब्लिश हो जाएगा, शॉर्ट में लिख दिया भाई, घबराना नहीं, इक्विलिब्रियम का मतलब होता उसके बाद टेम्परेचर का राइज होना बंद हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मैंने मान लिया थीटा 3 है, जो कि मेरे को दिख जाएगा थर्मामीटर में, थर्मामीटर में दिख गया। चलो भाई, ये तो अब अपन ये भी लिख देते हैं कि ये भी हमारा टेबल का पार्ट है, इसमें मैंने ये इंफॉर्मेशन लिख दिया है, क्या है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। चलो भाई, बढ़िया शानदार। अब ये टेबल में S1 मुझे निकालना है, S2 पहले से मुझे मालूम रहेगा, S3 मुझे पहले से मालूम रहेगा, अननोन क्या है, S1, ध्यान देना, M1 हमने मेजर कर लिया, M2 मेजर कर लिया, M3 मेजर कर लिया, थीटा 1 मैंने थर्मामीटर से मेजर कर लिया, थीटा 2 भी थर्मामीटर से, थीटा 3 भी थर्मामीटर से, S1 मेरे को फाइंड करना, यही टॉपिक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, पहले सॉलिड का देख रहे हैं, और S2 पहले से मालूम है, S3 पहले से मालूम है। अब क्या करना है, द लास्ट स्टेप, अब देखो अपन कैसे निकालते हैं सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखो, बिल्कुल ध्यान देना, देखना, इसके लिए हम लोग सबको ध्यान से समझना होगा, सबको ध्यान से समझना होगा। इसके लिए अपन ने लगाया हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेंड, ये कॉन्सेप्ट हीट वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, कैलोरीमेट्री वाले चैप्टर में, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कि कैलोरीमीटर के अंदर हॉट बॉडी जितना हीट छोड़ेगा, कोल्ड बॉडी उतना हीट एब्सॉर्ब करेगा। तो हीट कौन छोड़ेगा भाई, गर्म कौन था, जब आप उसमें गर्म सॉलिड डाले थे, देख रहे हो ये थीटा 2 जो इनिशियल टेम्परेचर सॉलिड है, ये गर्म था, उसको कैलोरीमीटर में डाला था, तो गर्म कौन था, थीटा 2 यानी सॉलिड, वो हीट छोड़ेगा। और जब भी हीट छोड़ेगा, कोई भी बॉडी हीट लॉस करता है, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, बॉडी का मास, तो सॉलिड का मास कितना है, देखो जरा, ये सॉलिड का इनिशियल टेम्परेचर थीटा 2 है, तो पहले फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई बॉडी हीट छोड़ता है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, एम एस डेल्टा थीटा, एम इज द मास, एस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये चूंकि हीट छोड़ रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तो इनिशियल माइनस फाइनल लिखेंगे, इनिशियल बड़ा होगा, फाइनल छोटा होगा, बड़े पैसे छोटा होगा, घटा देना सिंपली, तो चेंज इन टेम्परेचर देखना है। तो सॉलिड का मास कितना है, देखो सॉलिड का मास, सॉलिड का मास, सॉलिड का मास, टेबल में यहां M1 है, तो M1 S1 और टेम्परेचर, यहां पर टेम्परेचर लिखेंगे, देखिए इनिशियल टेम्परेचर कितना है थीटा 2, और फाइनल टेम्परेचर कितना है थीटा 3, तो क्या लिखेंगे, थीटा 2 माइनस थीटा 3। अब यहां पर हीट गेन क्या लिखना है, हीट गेन, तो हीट गेन कौन करेगा जल्दी बताओ, तो सॉलिड जो गर्म था उसमें पानी और कैलोरीमीटर, पानी और कैलोरीमीटर क्या थे, दोनों ठंडे थे पहले, गर्म सॉलिड में आया तो एब्जॉर्ब करा, हीट कौन एब्जॉर्ब करा, हीट कौन गेन करा, वाटर और कैलोरीमीटर। तो चलिए भैया पहले वाटर का लिख लेते हैं, हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर, है ना, इसको तो पहले मिटा देता हूं भैया, इसको तो पहले मिटा देता हूं, तो हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा, वाटर और कैलोरीमीटर, पहले वाटर की बात करते हैं, पहले कैलोमीटर की बात कर लेते हैं, तो मास ऑफ कैलोमीटर M2 H2 और टेम्परेचर इसका राइज करेगा, कैलोमीटर का टेम्परेचर राइज करेगा, तो भैया टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर ये थीटा 1, और फाइनली कितना होना थीटा 3, तो थीटा 1 छोटा था, गर्म हो गया, थीटा 3 हो गया, तो थीटा 3 माइनस थीटा 1, समझ रहे हैं आप लोग, जैसे ये कैलोरीमीटर है, पानी है, तो कैलोरीमीटर और पानी का टेम्परेचर इनिशियल कितना था थीटा 1, तुमने गर्म सॉलिड डाला, फाइनली टेम्परेचर बढ़ करके थीटा 3 हो गया, तो थीटा 1 से थीटा 3 हुआ ना, तो थीटा 3 माइनस थीटा 1
ओके अब आते हैं वाटर की बात करते हैं। वाटर भी तो एब्जॉर्ब करा जो कि गर्म चीज है, बर्तन भी गर्म हो जाएगा, वेसल भी गर्म हो जाएगा, वाटर भी गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वाटर का मास कितना हो भैया, तो वाटर का मास कैसे निकालेंगे, देखो कैलोरीमेट्री प्लस कैलोरीमीटर प्लस वाटर का मास है M3, उसमें से कैलोरीमीटर का मास क्या करेंगे माइनस करेंगे, है ना। M3 में से M2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, वाटर। तो भैया यहाँ माइनस करेंगे M3 माइनस M2, ठीक है, इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है S3, और टेम्परेचर कितना होगा θ3 माइनस θ1, क्योंकि θ1 तो दोनों का ही टेम्परेचर था इनिशियली। तो ये इक्वेशन सबको समझ में आना चाहिए, ये इक्वेशन सबको समझ में आना चाहिए। अब अपन को क्या सॉल्व करना है जल्दी बताओ, तो अपन को सॉल्व करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। भैया सॉलिड कौन है, ये S1 सॉल्व करना है, ओके, इसमें ये और ये कॉमन कर लो, θ3 माइनस θ1 कॉमन कर लिया, क्या बचेगा M2H2 प्लस M3 माइनस M2S3 अपॉन, और ये वाला चीज क्या होगा, डिवाइड पे जाएगा ना, M1 इंटू θ2 माइनस θ3। इस तरह से सारे रीडिंग्स हमें पता है, θ3 θ1 टेम्परेचर तो हमने थर्मामीटर से पहले ही मेजर कर रखा है, टेबल में नोट कर रखा है, M2 M3 M2 M1 सब मालूम है वेइंग मशीन से, H2 H3 पहले से कॉपर वेसल और वाटर का अपन को पता है, सारी वैल्यू पुट करते हैं एंड वी हैव द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। तो बहुत आसान था, तो ये तो ठहरा सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, अगर वीडियो नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, दो तीन बार देखोगे सब समझ में आ जाएगा। अब आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। भैया लिक्विड में क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इतना काम हो गया तो फिर तो सारे काम हो गए। लिक्विड वाला तो बहुत आसान है, देखो लिक्विड वाला समझते हैं, लिक्विड वाला में क्या करते हैं, देखो अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड करेंगे, इसको नोट कर लेना वीडियो को रोक करके, ठीक है, नोट कर लेना, एक एक चीज समझ लेना। अब देखो अपन को निकालना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, तो करना क्या है, देखो अब अपन को लिक्विड के बारे में बात करनी है कि लिक्विड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भैया मेजर करो। लिक्विड का कैसे मेजर करोगे, चलो भाई लिक्विड का मेजर करते, देखो करना क्या है, पहला स्टेप भैया देखो सॉलिड का मास, ये सॉलिड अब की बार गिवेन होगा, द सॉलिड इज गिवेन, गिवेन सॉलिड होना चाहिए, गिवेन सॉलिड मतलब क्या होता है, गिवेन सॉलिड मतलब होता है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, दैट इज S1 इज नोन, S1 इज नोन, मतलब पहले आपको ऐसा सॉलिड लेना है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पहले से मालूम है, ओके। M1 M2 तो अपन मेजर कर ही लेंगे, ठीक है, M1 M2, अच्छा इसमें क्या करना है जरा ध्यान देना, पहले तो M1 की कहानी पहले मैं आपको समझा दूं। M1 क्या होता था, मास ऑफ सॉलिड, M1 क्या होता था, मास ऑफ सॉलिड। M1 को कैसे मेजर करते थे, वेइंग मशीन की मदद से, कर लिया वेइंग मशीन, लिया उस पर बॉडी रख दिया, मेजर हो गया। चलो लिख देता हूं, डायग्राम बना देता हूं ताकि तुम कंफर्टेबल फील करो। चलो भाई अब यहां पे ये अपना सॉलिड है, इसका मास हमने M1 मेजर करा, अपन ने टेबल में लिख दिया, ठीक। चलो अब क्या करना है, फिर से एमपीडी वेसल लेना है, याद है ना प्रोसेस, फिर वही एमपीडी वेसल ले लो। चलो भाई एमपीडी वेसल ले लिया, चलो चलो बढ़िया शानदार स्टीरर वगैरह ले लो भाई, बढ़िया से बना देते तमीज से, ठीक है, ये ले लिया स्टीरर, ठीक। इसका मास तुमने मेजर कर लिया M2, देखो वो चीज लिखा हुआ है, मास ऑफ कैलोरीमीटर कॉपर वेसल M2, ठीक, S1 मालूम है, H2 भी मालूम है, ठीक। यहां पर सिर्फ क्या करना है, ये जो मैंने वाटर लिया था यहां पर वही लिक्विड लेना है ना, ध्यान देना, वही लिक्विड जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या करनी है, बतानी है उसको, बस कुछ नहीं करना है, यहां बीकर में उसे भर देना है, जिस लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताना है उसे क्या करना है, लिक्विड भर देना है इसमें, और इतना भरो ताकि ये सॉलिड जब डुबाए तो पूरा डूब जाए। तो ये अब की बार क्या लिक्विड है, वही अननोन लिक्विड है, वही अननोन लिक्विड है जिसकी कैपेसिटी हमें बतानी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बतानी है, यही तो फर्क है बस, वहां पानी डाले थे, यहां अननोन लिक्विड डाल दिया, क्या दिक्कत है। अब उसके बाद ये हमारा स्टीरर हो गया, क्या बोलते हैं स्टीरर, इसका मास मान लीजिए M3, तो यहां पर टेबल में क्या फर्क पड़ेगा, बस टेबल में फिर M3 इज द मास ऑफ द कैलोरीमीटर प्लस वाटर, नहीं कैलोरीमीटर प्लस लिक्विड, और यही तो बताना है हमें, ठीक है,
मतलब इसकी स्पेसिफिक बतानी है, यहाँ वाटर की जगह क्या आ जाएगा, बस लिक्विड, इतना ही फर्क होगा भैया, बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है। अच्छा, जहां जहां वाटर है वहां वहां क्या करना होगा, लिक्विड, जहां जहां वाटर है वहां वहां क्या करना होगा, लिक्विड। अब देखो हो गया भैया, अब करना क्या है, दूसरा स्टेप बताओ, कैलोरी मीटर लेना है सर, कैलोरी मीटर ले लिया, चलो भाई कैलोरी मीटर है, कैलोरी मीटर होता है सर ये एक बॉक्स होता है, इंसुलेटेड बॉक्स, इसके अंदर अपना ये कॉपर वेसल और भर दो इसे ठीक से, ताकि सराउंडिंग से इसका कॉन्टैक्ट टूट जाए, ठीक। चलो भाई दूसरा स्टेप हो गया, तीसरे स्टेप पे आते हैं। तीसरा स्टेप क्या मैंने बताया था, जल्दी बताओ, तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, जल्दी बताओ, अभी तो मैंने रिवाइज करा था, सॉलिड में तो करा ही था, लिक्विड में बस वही तो काम करना है, करना क्या है, थर्ड स्टेप में आपको लेना है ये अपना कॉपर वेसल और ये जो लिक्विड भरा हुआ है, वाटर नहीं है ये, क्या है, लिक्विड, इसका अपन को स्पेसिफिकेट करके बताना है, उसे अपन भर देंगे कैलोरी मीटर, मतलब बॉक्स के अंदर भर दिया, मतलब रख दिया, सेट कर दिया, और इसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए अपन थर्मामीटर लगा देंगे, थर्मामीटर ने टेम्परेचर मेजर किया थीटा 1 डिग्री सेल्सियस, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, थीटा 1 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरी मीटर प्लस लिक्विड। चलो भैया कैलोरीमीटर बर्तन ये वेसल और ये लिक्विड भैया हो गया है ना, इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर थीटा 1 डिग्री सेल्सियस। देखो अगर स्टूडेंट को सॉलिड वाला समझ में आया तो लिक्विड वाले में कोई लफड़ा नहीं है, ठीक। उसके बाद क्या करते थे सर, जिस सॉलिड का बताना है उस सॉलिड को बंसन बर्नर पे, पहले तो आप एक काम करो, बीकर ले लो, बीकर में पहले पानी भर लो, ये बीकर है इसमें पानी, हाँ ये वाला बीकर में पानी रहेगा, आटा रहेगा, ठीक है, और उसके बाद इसको एक स्टैंड से, ये धागे से स्टैंड लगा दो इधर, स्टैंड लगा दो इधर बहुत आराम से, और बंसन बर्नर यहाँ लगा दो ताकि वो गर्म करे। चलो भैया गर्म करा, चलो भैया गर्म कर रहा है, गर्म करा, थर्मामीटर लगा दो ताकि इसका टेम्परेचर मेजर कर सके थीटा 2 डिग्री सेल्सियस, खूब गर्म कर दो बढ़िया से, 5 से 10 मिनट वेट कर लो, बताया था ना 5 से 10 मिनट वेट कर लो, गर्म हो जाने दो, थीटा इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड। लास्ट स्टेप क्या करते हैं, अच्छा ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर नहीं, सॉरी ये तो गलत लिख दिया, इनिशियल टेम्परेचर थीटा 1 का, माल कर दिया, इक्विलिब्रियम का होगा हाँ थीटा 1, ठीक। अब इसको क्या करना है, उठाकर इसमें डालना है, उठाकर इसमें डाल देना है, चलो भाई उठाकर डाल देते हैं, डाल दो उठाकर के बाद, ठीक है। चलो तो इसको उठाकर इसमें डाल दिया, यानी हमारा पांचवा स्टेप हो गया, उठाकर इसमें डाल दो, तो ठीक है भैया, चलो धागे की मदद से स्टैंड ले लो, स्टैंड लेना जरूरी है, वरना तुम सॉलिड को कैसे करोगे, डुबकी मार दोगे, डुबकी नहीं लगाना भैया, तो स्टैंड से ये सॉलिड को ऐसे करके डाल दिया, चलो भाई, और छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए कि रहने दो, तो अपने आप ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर थीटा डिग्री सेल्सियस हो गया, तो देखिए क्या लिखा, थीटा डिग्री सेल्सियस, थीटा 3 इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हो गया। तो लास्ट स्टेप क्या बताया था, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन्ड, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन्ड, चलो हीट कौन लॉस करेगा, कम भगत ये सॉलिड लॉस करेगा, इसका मास बताओ m1, वेरी गुड, स्पेसिफिकेट कैसे बताओ s1, और इनिशियल टेम्परेचर कितना था इसका थीटा 2, थीटा 2 से थीटा 3 हुआ, तो थीटा 2 ज्यादा था, थीटा 2 में से थीटा 3 घटाएंगे, हीट गेन कौन करेगा, लिक्विड और कैलोरीमीटर, पहले कैलोरीमीटर का लिख लो, कैलोरीमीटर का मास कितना है m2 h2, इनिशियल टेम्परेचर इसका थीटा 1 था, थीटा 1 से थीटा 3 हो गया, थीटा 3 बड़ा है, थीटा 3 माइनस थीटा 1। अब आई उसी लिक्विड की बारी जिसका मेरे को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताना है, इसका मास बताओ, तो m2 है एम्प्टी वेसल और m3 है लिक्विड प्लस कैलोरीमीटर, तो m3 में से m2 को हटा देंगे, m3 माइनस m2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका s3, यही तो निकालना है भैया, और टेम्परेचर डिफरेंस, इनिशियल टेम्परेचर कितना था थीटा 1, फाइनली टेम्परेचर तो राइज होगा ना, गेन करेगा ना हीट, तो बढ़ जाएगा थीटा 3 माइनस थीटा 1। भैया इतना लिखने के बाद तो करना क्या है, सबको उठा के एक तरफ लाना है, s3 निकालना है भाई, चलो s3 निकालते हैं, मिटा दो सब मिटा दो, कमबख्त सब मिटा दो, सब अच्छे से रिवाइज कर लेना, बहुत इजी है। तो चलो भाई तो अपन लोग यहाँ पे s3 लिखेंगे, जोर से बोलो क्या लिखेंगे, s3। तो पहले भैया इसको उठा के इधर तो लाओ, m1 s1 थीटा 2 माइनस थीटा 3
माइनस, इसको उठा के इधर ले आओ, एम टू एच टू थीटा थ्री माइनस थीटा वन, और ये जो चीज मल्टीप्लाई में वो इधर डिवाइड में ले आओ, एम टू माइनस एम थ्री ब्रैकेट में थीटा थ्री माइनस थीटा वन, ये हमारा आ गया एस थ्री विच इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड, यही तो निकालना था। तो इस तरह से ये पूरा एक्सपेरिमेंट था, फील के साथ मैंने कोशिश करी बताने को, और अब बेटा आपको करना क्या है, इसे रिवाइज करना है, एक दो बारा वीडियो रिप्ले कर लोगे चीजें पूरी समझ में आ जाएगी, बहुत इजी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आसान था, एक बार आप देख लेना दोबारा, ठीक है, ओके, थैंक यू।